हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से ये आपका 11/7/2024 को ये एक नोटिस जारी किया गया है। देखिए इसमें क्या बात किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के विज्ञापन संख्या 8/2023 एवं 9/2023 के आलोक में दिनांक 27/11/2023, 28/11/2023 एवं दिनांक 29/11/2023 को संपन्न झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित की गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर 27, 28 और 29 के ग्यारहवें महीने में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसका फिर से पता नहीं इन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए और आंसर की जारी किए हैं, जो कि ये पहले हो चुका था, फिर भी पता नहीं क्या माजरा है, वही जानेंगे। तो जैसा भी हो, अपडेट इससे रिगार्डिंग दे रहे हैं तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ तो काम हो रहा है जेएसएससी में। आपको नेक्स्ट रिजल्ट रिस्पांस की और रिजल्ट्स के रिगार्डिंग अपडेट में भी देखने को मिल सकता है। वैसे हाई कोर्ट में ये वैकेंसी का मामला गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं क्या आखिर मैटर है। तो देखिए, सेकेंड में बात किया गया है कि दिनांक 15/7/2024 की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी अपने रोल नंबर एवं जन्मतिथि प्रविष्ट कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। दोस्तों देखिए, जिनको भी ऑब्जेक्शन करना है वो 15 जुलाई 2024 के मध्य रात्रि तक अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करके वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको देखिए 15 जुलाई लास्ट डेट आपको दिया गया है, जो ये दोस्तों हो चुका था पहले ही, फिर दोबारा इन्होंने पता नहीं क्या क्यों दिया, ऐसा क्या मैटर है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या राय है। तो चलिए इनके वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या कैसे लॉगिन करना है, क्या लिंक वगैरह दिया गया है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग कर दूँ, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है लिंक टू व्यू एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की JITOCE 2023। तो आपको उसके लिए लॉगिन होने के लिए सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ टैब ओपन हो जाएगा। फिर देखिए, आपको एक छोटा सा आपको छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। सिंपली इसी लिंक पे फिर से आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैंसिल और ओके का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ अगर आपके सामने पॉपअप ब्लॉक दिखा रहा होगा तो ऑलवेज शो कर दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट टैब में ऐसा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लॉगिन उम्मीदवार प्रतिक्रिया दृश्य और आपत्ति मॉड्यूल लॉगिन, आपका लॉगिन पेज यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे सिंपली रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और ऊपर देखिए जो ये कैप्चा शो हो रहा है नीचे ये बॉक्स में फिल करके आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम में आपका 3 पेपर हुआ था, आपको तो पता ही होगा, आप एग्ज़ाम ये दिए होंगे तो, और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ही आप वीडियो ये देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको 3 रोल नंबर मिला होगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर होगा, फिर उसके आगे ए लिखा होगा, फिर बी लिखा होगा। तो आपको 3 बार लॉगिन होकर के तीनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्शन देना होगा या तो आंसर की देखना होगा। दोस्तों जब आप लॉगिन होंगे इसके अंदर तो ये कैंडिडेट रिस्पांस नहीं दिया गया सीट, यहाँ पे केवल जो विभाग जिस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना हुआ है वो केवल यहाँ पर शो कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं दोस्तों, वो भी 15 जुलाई के अंदर। तो दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यही एक अपडेट था, जो कि एक आज ही जारी किया गया है। तो मैंने आपको ये वीडियो में अपडेट दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।